दोस्तों, प्राचीन काल से लोग समुद्र की यात्रा करने और इसके रहस्यों को जानने की कोशिश में लगे हैं। वैसे तो आप सभी ने समुद्रों के बारे में पढ़ा होगा और नजदीक से समुद्र को देखा भी होगा। समुद्र असीम है, मतलब उसके कोई सीमा नहीं है। पृथ्वी सारे सौर मंडल में एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर महासागर तरल अवस्था में पाया जाता है। पृथ्वी का लगभग 97.2% पानी सागरों के रूप में है। दोस्तों, समुद्र के भीतर एक अलग सी ही दुनिया बसती है। इसकी गहराई ही इसकी सुंदरता का कारण है। दोस्तों, आप लोगों के मन में ये सवाल निश्चित रूप से आता होगा कि ये विशाल समुद्र कितना गहरा होगा। इस गहरे सागर ने अपने अंदर क्या क्या राज छुपा के रखे होंगे। हर एक इंसान आसमान की ऊंचाई छूना चाहता है, पर कई सारे ऐसे लोग भी है जो समुन्द्र की गहराई जाने की इच्छा रखते है। कई लोग कहते हैं कि दुनिया हमारी सोच से बड़ी है, लेकिन क्या आप जानते हैं समुद्र पृथ्वी से कितना बड़ा है और हम सोच भी नहीं सकते उतना गहरा है। हमारी धरती 70% पानी से ढकी हुई है। पृथ्वी के वजन से 10 गुना ज्यादा इस धरती पे पानी का वजन है। अगर हम पृथ्वी के ऊपर मानव निर्मित अब तक की सारी वस्तुओं को तोड़कर समुद्र में डाल दे तो सारी पृथ्वी की सतह पर 2 मील तक पानी बढ़ सकता है। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि पृथ्वी में 3/4 हिस्सा पानी है और सिर्फ 1/4 हिस्सा जमीन है जिसपे हम लोग रहते हैं। भौगोलिक तौर पर पृथ्वी पर 5 मुख्य महासागर है जो इस प्रकार है। प्रशांत महासागर, जिसे अंग्रेजी में पैसिफिक ओशन कहते हैं, अटलांटिक महासागर जिसे अटलांटिक ओशन कहते हैं, हिंद महासागर जिसे इंडियन ओशन कहते हैं, आर्टिक महासागर जिसे आर्टिक ओशन कहते हैं और दक्षिण महासागर जिसे साउदर्न ओशन कहते हैं। तो देर न करते हुए चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप दोस्तों को समुद्र के रहस्यमय गहराइयों में ले चलता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बाजू वाली बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे आप लोगों को हमारी आने वाली नई और रोचक वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों, इन महासागरों को 3 मुख्य हिस्सों में बांटा जाता है। पहला आता है सनलाइट जोन, जिसे इफोटिक जोन कहते हैं। ये वो जोन है जहां सूरज की रोशनी पहुंचती है। इसके बाद आता है ट्वाइलाइट जोन, जिसे डिस्टोपिक जोन कहते हैं। ये 200 मीटर के बाद शुरू होता है। यहां सूरज की किरणें धीमी होने लगती है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है मिडनाइट जोन, जिसे एपोटिक जोन कहते हैं, जो करीब 1000 मीटर से शुरू होता है। यहां पर सूरज की किरणें लगभग ना के बराबर होती है। समुद्र की गहराई नापने के लिए ध्वनि यंत्रों की मदद ली जाती है। पानी की जहाज पर एक यंत्र लगाया जाता है जो अल्ट्रासोनिक तरंगे पैदा करता है। इस यंत्र का नाम पैथोमीटर है। ये यंत्र को डेप्थ फाइंडर भी कहा जाता है, जो पानी की गहराई निर्धारित करने के लिए साउंड वेव्स का उपयोग करता है। तो चलिए अभी जानते हैं समुद्र की गहराई के बारे में। आमतौर पर समुद्र की 40 मीटर की गहराई में ज्यादातर लोग स्कूबा डाइविंग करते हैं। इस गहराई के नीचे जाने के लिए विशेष प्रशिक्षण और उपकरणों की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब हम 73 मीटर के गहरे में जाते हैं तो ये समुद्र इतना गहरा होता है, यहाँ अगर ताजमहल और कुतुब मीनार जैसे इमारतों को उल्टा करके डाल दिया जाए तो वो पूरी तरह से पानी में डूब जाते हैं। वही अगर आपको 7 मई 1915 में डूबा लुसिटिनिया नामक जहाज के अवशेष देखने हो तो आपको 93 मीटर तक की गहराई में जाना होगा। यहाँ पर इस जहाज का आपको मलबा देखने मिलेगा। जब आप 100 मीटर की गहराई छूते हैं, यहाँ बड़े बड़े अनुभवी गोताखोरों को भी डाइविंग करने के लिए मुश्किलें पैदा होती है, क्योंकि यहाँ डिकम्प्रेशन सिकनेस की बीमारी हो जाती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ और चक्कर आना और बेहोश हो जाना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। मगर आश्चर्य की बात यह है कि हर्बर्ट निस्तेज नामक विश्व प्रसिद्ध गोताखोर ने एक ही सांस में 2014 मीटर की गहराई में उतरे थे। मगर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जल्दी इजिप्शियन गोताखोर अहमद गबीर ने 2014 को 332 मीटर की गहराई में जाकर तोड़ा था। ये रिकॉर्ड कायम करने में अहमद को 13 घंटे 50 मिनट का समय लगा था। वैसे दोस्तों, ये रिकॉर्ड अब तक किसी इंसान ने नहीं तोड़ा है। अब हम और गहराई में जाकर समुद्र को जानने की कोशिश करते हैं। 443 मीटर की वो गहराई है जहाँ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, जो कि अमेरिका की ऊंची इमारतों में से एक है, पूरी तरह डुबाई जा सकती है। इसके अलावा 500 मीटर की गहराई में दुनिया का सबसे बड़ा मैमल ब्लू व्हेल देखी जा सकती है।
दोस्तों वैसे तो ये सिर्फ शुरुआत है, अभी हमें और गहराई में जाना है। दोस्तों डर तो नहीं लग रहा है ना आप लोगों को? डरिए नहीं, समुद्र की असली सुंदरता यही से शुरू होती है। तो अपने ऑक्सीजन टैंक को भरवा लीजिए और हमारे साथ समुद्र के रहस्य से भरी दुनिया में सफर पर चलिए। 535 मीटर की गहरे में आपको एम्परर पेंगुइन के दर्शन हो सकते हैं। ये पेंगुइन्स दुनिया के सबसे बड़े पेंगुइन्स की प्रजाति मानी जाती है। ये पेंगुइन्स पानी के अंदर 3 घंटे से अधिक अपनी सांस को रोक सकते हैं। इन पेंगुइन्स में से एक पेंगुइन ने 565 मीटर की गहराई में जाकर एक रिकॉर्ड कायम किया था। इतनी गहराई में तो कोई भी इंसान बिना आधुनिक उपकरणों के जाना सोच भी नहीं सकता। इसके बाद और अंदर जाते हुए हम 830 मीटर पहुंच जाते हैं। ये गहराई इतनी है कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भी पूरी तरह से डूब सकती है। वैसे आपको बता दें, बुर्ज खलीफा बिल्डिंग में दुनिया की सबसे तेज लिफ्ट लगी हुई होती है और ये लिफ्ट को ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक पहुंचने में 3 मिनट से ज़्यादा समय लगता है। तो दोस्तों आप लोगों ने ये अंदाज़ा लगा भी लिया होगा ये बिल्डिंग कितनी लंबी है। और इसके बाद 1000 मीटर की गहराई को स्केरी जोन कहा जाता है। इस जोन में सूरज की जरा भी किरणें पहुंच नहीं पाती है, यहाँ कंप्लीट डार्कनेस होता है। यहाँ पानी का दबाव इतना ज़्यादा होता है कि किसी भी इंसान की सारी हड्डियाँ तोड़ दे और उस इंसान को कुछ ही पलों में जान गंवानी भी पड़ सकती है। इस गहराई में सबसे बड़े और खतरनाक जायंट स्क्विड भी पाए जाते हैं। इसके थोड़े और नीचे 1280 मीटर की गहराई जाने पर लेदरबैक कछुआ, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कछुआ माना जाता है, यहाँ मजे से तैरते हुए पाया जाता है। और 2000 मीटर के गहरे पानी में बहुत ही अद्भुत और भयानक ड्रैगन मछली का सामना होता है। ये पानी में रहने वाला एक बहुत भयानक जीव है। ये मछली दैत्याकार आकार की होती है। इस जीव के बारे में साइंटिस्टों के पास भी ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। और इसके बाद आगे चलते हुए 4000 मीटर की गहराई से अबेयस जोन की शुरुआत होती है। ये गहराई 3000 मीटर से शुरू होकर 6000 मीटर तक होती है। यहाँ प्रकाश शून्य के बराबर होता है। यहाँ पानी का दबाव 11000 PSI होता है। कई भयानक और अतरंगी जानवर जैसे कि वाइपर फिश, एंगलर फिश यहाँ इस अंधेरी डरावनी जगह पर पाए जाते हैं। इसके साथ ही 4270 मीटर की गहराई को सागर की एवरेज डेप्थ मानी जाती है। मगर दोस्तों सागर इससे भी गहरा होता है। इसके साथ ही 6000 की डेप्थ को हडल जोन कहा जाता है। यहाँ पानी का दबाव जमीन के मुकाबले 11000 गुना अधिक होता है। इसको ऐसे समझे तो किसी साधारण इंसान ने अफ्रीकी हाथी को अपने कंधे पर उठाकर चलना होता है। और इसके साथ ही 6500 मीटर में आधुनिक DSV अल्विन सबमरीन पाई जाती है, जिसका उपयोग टाइटेनिक को ढूंढने के लिए किया गया था। ये गहराई वो है जहाँ तक हम इंसान देख और जान पाए हैं। और इस गहराई के नीचे क्या है इसकी जानकारी साइंटिस्टों के पास भी नहीं है। और आगे चलते हुए 8800 मीटर वाली गहराई को रोहतक स्थिति कहा जाता है। इसे पिच ब्लैक जोन भी कहा जाता है। अगर इसी गहराई में दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत यानी कि माउंट एवरेस्ट को डाला जाए तो वो भी पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा, मानो यहाँ कोई पर्वत जैसी कोई चीज थी ही नहीं। इस गहराई के बारे में ज्यादातर लोगों को कुछ पता नहीं है। इस गहराई के बारे में आज तक एक सस्पेंस बना हुआ है। मशहूर फिल्म निर्माता जेम्स कैमरून ने 10,890 मीटर की गहराई में जाकर डीप सी चैलेंज के तहत समुद्र की गहराई नापी थी। इनका मकसद था मरीना ट्रेंच, जो कि समुद्र का डीपेस्ट स्पॉट माना जाता है, उसकी जानकारी लेना। मगर मरीना ट्रेंच के तल में पहुंचने से पहले इनके उपकरणों में अत्यधिक समुद्री दबाव के कारण खराबी होनी शुरू होने लगी और ये मिशन जेम्स कैमरून को अधूरा ही छोड़ना पड़ा। दोस्तों ये गहराई इंसानों द्वारा तय की गई सबसे अधिक गहराई है। इसके बाद की गहराइयों का साइंटिस्टों ने सिर्फ अनुमान लगाया है, क्योंकि अब तक कोई भी इंसान द्वारा निर्मित कोई भी उपकरण इतनी गहराई में काम नहीं कर सकते। और आखिर में 10,954 की गहराई को समुद्र का अंतिम स्तर माना जाता है और उसे मरीना ट्रेंच या ग्रेट चैलेंज डीप भी कहा जाता है। इस गहराई में क्या है और इस गहराई में कौन से जीव रहते हैं ये किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। एक थियरी का यह भी मानना है कि इस गहराई में आधुनिक एलियन सभ्यता का लाखों सालों से बसेरा बनाया हुआ है।
और यही से एलियंस हम इंसानों को समय समय पर कंट्रोल करते आए हैं। इस बात का सबूत है जेम्स कैमरून की मरीना ट्रेंच की यात्रा। उनका यह मानना था कि जब वे इस गहराई पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब कोई रहस्यमय और विचित्र शक्ति उनके उपकरण को नीचे जाने से रोक रही थी और उनके उपकरणों को खराब कर रही थी। दोस्तों, जेम्स कैमरून ने यह एक्सपीरियंस कैसा था उनके लिखे गए एक पुस्तक द डीप वॉयजेस टू टाइटेनिक एंड बियॉन्ड में लिखा है। आप ये पुस्तक पढ़ भी सकते हैं। ये पुस्तक अमेज़न में उपलब्ध है। इस पुस्तक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि साइंटिस्टों ने सागर के अंतरिम स्तर के बारे में अब तक सिर्फ 5% ही अनुमान लगाया है, यानी कि 95% खोज अभी भी बाकी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। आशा करते आप लोगों को हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो ये वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम वादा करते हैं हम जल्दी ही मिलेंगे हमारे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।